तमिलनाडु में भाजपा का प्रभाव दिखाने के इरादे से भाजपा नेता और समर्थक ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने ये तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि तमिलनाडु में कमल खिल रहा है। भाजपा नेता रविंद्र गुप्ता ने भी ये तस्वीर ऐसे ही मैसेज के साथ ट्वीट की। तमिलनाडु के भगवामय होने के दावे के साथ भाजपा हिमाचल की प्रवक्ता प्रज्वल बस्टा ने ये तस्वीर ट्वीट की। ऐसे ही दावे के साथ ये तस्वीर फेसबुक पर भी वायरल है। तो क्या वाकई में तमिलनाडु में ये लोग भाजपा का झंडा लगा रहे हैं? जांच करने पर ऑल्ट न्यूज के सामने कुछ और ही सच्चाई आई। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस तस्वीर को एडिटेड बताया और कहा कि असलियत में तस्वीर में बहुजन समाज पार्टी का झंडा है। रिवर्स इमेज सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज को बसपा नेता शिरीषा स्वेरो अकिनापल्ली का ये ट्वीट मिला, लेकिन इसमें वायरल तस्वीर से अलग बसपा का झंडा दिख रहा है। कीवर्ड सर्च करने पर हमें 7 मई 2019 को अपलोड की गई इस झंडे की PNG फाइल मिली। विजुअल कंपैरिजन से ये बात साफ हो जाती है कि वायरल तस्वीर में दिख रहा भाजपा का झंडा अलग से ऐड किया गया है। तो जैसा कि आपने देखा, किस तरह से भाजपा नेताओं और समर्थकों ने एक एडिट की गई तस्वीर के सहारे तमिलनाडु में भाजपा का प्रसार दिखाया। असलियत में तस्वीर में बसपा के कार्यकर्ता बसपा का झंडा लगा रहे थे।